नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही इन्वेस्टर समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने एक बड़ी घोषणा की। अंबानी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले 2 महीने के दौरान 2 करोड़ जियो फोन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि राज्य के युवा स्मार्ट युवा बन सके। राजनीतिक दल शुरू करने से पहले बुधवार को सुपरस्टार कमल हसन पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के रामेश्वरम स्थित पैतृक घर पर गए और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। यहां पूर्व राष्ट्रपति के परिजनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री के आवास पर दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ कथित तौर पर मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की और फिर बाद में रिहा कर दिया। बताया जा रहा है कि वीके जैन ने ही मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को सीएम निवास पर बुलाया था। बीजेपी ने बुधवार को अपने 2 विधायकों को खो दिया, जहां एक और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नूरपुर से बीजेपी विधायक लोकेंद्र सिंह की बुधवार सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई, तो दूसरी ओर राजस्थान के नाथद्वारा से विधायक कल्याण सिंह की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बुधवार को पंजाब पहुंचेंगे। यहां उन्हें रिसीव करने पंजाब सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचेंगे। ट्रूडो को इस दौरान पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर भी जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एम एस टीवी के साथ। नमस्कार। जेनाविंद सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जेनाविंद सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।